हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईज पेरेंटिंग। आज हम आपको बताएंगे कि अगर बच्चे के कान में दर्द हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या घरेलू उपाय करना चाहिए। कान का दर्द सबके लिए भीषण होता है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े। तुलसी की कुछ पत्तियां लें और उन्हें पीसकर उसका रस कान में डाल दें। ऐसा करने से कान के दर्द में आराम मिलेगा। मेथी के दाने को सरसों के तेल में गर्म करके ठंडा होने दें। बाद में अच्छे से कान में कुछ बूंदें डाल दें। ऐसा करने से आपको कान के दर्द में आराम मिलेगा। लहसुन को सदा से ही एंटीबायोटिक गुणों से लैस माना गया है। अगर आप लहसुन की 2-3 कलियों को तेल में गर्म करने के बाद उसके ठंडे होने के बाद 2-3 बूंदें कान में डालें तो आराम मिलेगा। नीम के तेल की 3-4 बूंदें कान में डालने से भी दर्द की समस्या में आराम मिलता है। जैतून के तेल से भी कान के दर्द में आराम मिलता है। अदरक में दर्द दूर करने के गुण होते हैं। ऐसे में अगर आप अदरक को पीस कर उसका रस जैतून के तेल में गर्म करके कान में डालें तो भी आराम आएगा। अगर समस्या ज़्यादा बड़ी है तो चिकित्सीय सलाह ज़रूर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।